हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं NMG वर्सेस PR के बीच में, जो साउथ अफ्रीका में T20 लीग के लगभग ये दो लास्ट मैचेस होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मैच की इम्पोर्टेंस क्या है लीग स्टेज में। तो NMG यानी जो नेल्सन मंडेला की टीम है, वो लगभग जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। फिलहाल वो थर्ड पोजीशन पे है और लगभग जो अगर ये मैच वो लोग जीत जाएंगे तो कंफर्म जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हार जाएंगे तो भी फिर भी इनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं पे अगर हम लोग PR की बात करें तो PR अभी जो है फोर्थ पोजीशन पे है, और अगर ये मैच वो लोग जीत जाएंगे तो लगभग कंफर्म हो सकते हैं। अगर हार जाते हैं तो इनके लिए भी थोड़ा रिस्क हो सकता है। तो लगभग जो है अराउंड 80% आप कह सकते हो ये PR के लिए जो है डू और डाई मैच होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है, जैसे कि नेल्सन मंडेला की टीम की कैप्टन टीम का कैप्टन है जेजस्मार, वहीं पे जेसन रॉय के साथ ओपनिंग करते हैं। खून है, इमरान ताहिर है, बेंटाकिट है, अरुण पंगिसो, क्रिश्चियन जोंकर जिनका परफॉर्मेंस पूरी टूर्नामेंट में अभी तक कुछ खास नहीं रहा है, क्रिस मॉरिस है, विलियम है जिन्हें प्रीवियस मैच पे मौका मिला था और हम लोग उम्मीद करते हैं इस मैच पे भी वो खेलेंगे। विकेट कीपर सेक्शन पे आपको रूडी मिलेगा, वहीं पे यहाँ पे मगाला जो कि बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे। वहीं पे अगर हम लोग PR की बात करें तो यहाँ पे मकरम है, जो कि पहले दो तीन मैचों पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। उसके बाद ड्वेन ब्रावो है, विकेट कीपर सेक्शन पे आपको यहाँ पे मगालिसा को देखने को मिलेगा। कैप्टन है फागडुबलिस, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। वहीं पर यहाँ पर ग्रैन थॉमस है, डेविड ओसी है, डेन पेटरसन है, कैमरन डेलपोर्ट समची है, कुंगर है और केविन मोर्गो है, जो इसे प्रीवियस मैच में जिन्होंने बहुत ही अच्छी जो है परफॉर्मेंस दी हुई है। तो अब हम लोग एक ड्रीम 11 टीम के बारे में बात कर लेते हैं, जिस तरह से आप जो एक टीम बना के जो है बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। तो टीम बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नीचे कमेंट करना कि आपको कौन सा कैप्टन वाइस कैप्टन आपने अपने टीम में जो है लिया हुआ है। तो फिर हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में रूडी सेगन और जो मुसलिया को, हमारे पास दो ही अवेलेबल ऑप्शन है और दोनों ही जो है खेलेंगे, ज़्यादातर चांसेस यही है। तो फ्रेंड, ज़्यादातर लोग मैंने जो देखा 80% लोगों ने जो है रूडी सेगन को लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज के लिए मैंने मुसिला को लिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन पे मैंने यहाँ पे फैगडुप्लेसिस, जेसन रॉय, बेंटंक और मकरम को लिया है। इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पास यहाँ पे जोंकर है, वहीं पे खून है जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, कैमरन डेलपोर्ट है, यही आपके पास जो है अदर ऑप्शन रहेंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर पर आपको बहुत सारे प्लेयर मिल जाएंगे, ड्वेन ब्रावो है, क्रिस मॉरिस है, जेजे स्मार्ट है, डेविड रॉयसी है, वहीं पे ग्रैन थॉमस है, ये इथेन बूस है, जो ये प्लेयर जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन पे मिल जाएंगे। बॉलर की बात करें तो आपको यहाँ पे इमरान ताहिर, समसी मिलेंगे, डेन पीटरसन मिलेंगे, सीजे मगाला मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लीजर और केविन मुर्गो भी आपको मिलेंगे। तो आप अपने हिसाब से प्लेयर आपको क्या लगता है कौन सा आपके लिए अच्छा होगा आप उसे चूज़ कर सकते हो। और मैंने कुछ इस तरह का टीम बनाया हुआ है, जो कि कैप्टन मैंने यहाँ पे जेजे स्मार्ट और वाइस कैप्टन जो मैंने यहाँ पे डुप्लेसिस को लिया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो एडम मकरम आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे, ग्रैंड लीग के लिए जेसन रॉय और ड्वेन ब्रावो कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। तो ये कुछ मेरे हिसाब से आपके लिए एक मैंने एग्जाम्पल रखा है। इस तरह का टीम बना के आप ड्रीम 11 या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो माई टीम 11 में बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, तो आप माई टीम 11 पे टीम बना सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हो और बहुत ही अच्छा जो है यहाँ से भी जो है विन कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैच जो है बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है, तो इस वीडियो को मैं अभी जो है अपलोड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।